आज देश के राजनीति, देश के विकास के गति, 75 साल के आजादी के बाद देश की हालात पे चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र में आया हूँ। उद्धव जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता मिली है। हम दोनों ने कई मुद्दों पर, कई विषयों पर काफी लंबा चर्चा की है। काफी बातों पे हमारी सहमति हुई है कि आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छी सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिलकर काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम ख्याल लोग हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया, बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में, तो हम लोग उसमें भी काफी अच्छी आज बात हुई। कुछ मुद्दे थे उसमें भी बातें हुई, उसमें भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है, आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए, देश के युवा को, नौजवान को, देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से, सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे के जी से यहां से निकल रहा है। मैं समझता हूं देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूं, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इन्वाइट करता हूं तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं हम सबके तरफ से। महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं, और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।